तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं रॉयल इनफील्ड में, और यह है आपकी रॉयल इनफील्ड 350 मीटियोर। अब मीटियोर या मेटियोर जो भी बोल लो यार। कौन सा कलर है अमित भाई? ये नहीं, ये ब्लू तो ब्लू में एक टर्कोस आता है इसका, कुछ कलर नहीं बता सकते मैं इसका फाइनली। और इसकी थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह लाइक ये ड्यूल चैनल एबीएस है, ट्यूबलेस स्टाइल अलॉय एंड ये 350 सीसी की ऑयल कूल इंजन है। ऑयल कूल इंजन है, अच्छा। आपको डिजिटल मीटर एनालॉग मिल जाएगा, डिजिटल मीटर आप देख लीजिए। ये इसका डिजिटल मीटर एनालॉग है, इसमें ट्रिप मीटर, ऑडो मीटर सारे चीज़ मिल जाएंगे, टाइमिंग मिल जाएंगे। अच्छा, ऐप मीटर होता है, ऐप मीटर ये होता है कि आपकी बाइक में जैसे फ्यूल खत्म होने वाली होती है, लाइक 5 लीटर जैसे बचती है तो ऐप मीटर यहाँ पे ऑन हो जाती है। अच्छा, आपको ये इंडिकेट करती रहेगी कि आपकी बाइक अब इतनी किलोमीटर। अच्छा, वो जैसे मेरी में भी है, KTM में भी है। अगेन नेविगेशन यहाँ पे जो अच्छा। कि गूगल के द्वारा ये बनाया गया है, गूगल अच्छा। के साथ कोलैबोरेशन करके इसको बनाया गया, जो कि काफी एक बेस्ट पार्ट है इसका। ये तो यार बहुत अच्छी चीज है इसमें नेविगेशन की। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि रेट्रो स्टाइल की आपको स्विच मिलने वाली है। अरे यार ये स्विच तो बड़ा ही कमाल लग रहा है, मतलब स्टार्ट यहीं से होती है। सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि इसकी जो क्लचिंग एंड ब्रेकिंग जो क्वालिटी है ना, बहुत स्मूथ राइडिंग जो बोलते ना आपको, एफर्टलेस ये ब्रेकिंग, एफर्टलेस आपको क्लच है इसका, और काफी ये सॉलिड इसका क्लच होने। स्टार्ट करें एक बार, श्योर स्टार्ट कीजिए। करो करो आप करो, ये देखो यार। अरे यार ये चीज़ तो बड़ी कमाल की है। और ऑफ इस पे हो जाएगा इधर? हाँ, है ना, यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, हजार्ड लाइट इधर, हजार्ड लाइट दे दी। ये बड़ा अच्छी चीज़ दी यार इन्होंने। अगेन यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हो गए लेफ्ट एंड राइट, और ये भी आपका रेट्रो स्टाइल में होगा। पास लाइट का ऑप्शन है, पास लाइट भी रेट्रो स्टाइल में। हाँ, सभी रेट्रो स्टाइल में। अगेन आपको रिंग लाइट मिलेगा फ्रंट में, फ्रंट एंड बैक। अच्छा, अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पे देखिए, वो जैसे DRL होता है ना, रिंग रिंग टाइप का मिलेगा। ठीक है यार, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका, जो आप बता रहे हो ना। ये तो अभी इसकी राइड वगैरह लेंगे ना, तब पता चलेगा कैसे चलता है। ये की पहले हमारी 650 सीसी में आती थी। अच्छा, ये 350 सीसी में फर्स्ट टाइम इस तरह का की इन्होंने लॉन्च। अच्छा, की भी चेंज करके दी है। और यार थोड़ी बहुत, थोड़ी अगर बाइक को देखें दूर से तो थोड़ा सा ऐसे थंडरबर्ड टाइप थोड़ी सी ऐसे लगती है, बोल सकते हैं। बट ये ऑब्वियसली इसको यूके बेस्ड डिजाइन किया गया, फर्स्ट टाइम इसे इंडिया एंड अदर कंट्री मिलकर इसको डिजाइन किया गया। स्पेशली इसमें न्यू इंजन मिलेगी जो कि फुल्ली रिफाइन इंजन है। अच्छा, काफी बेस्ट परफॉर्मेंस इंजन है इसकी। सीटिंग पॉस्चर सबसे, तो टेस्ट राइड अभी अवेलेबल है? अभी अवेलेबल नहीं है, इट विल टेक अप्रॉक्स 5 डेज लगेगा ही। चलो टेस्ट ड्राइव के लिए आएंगे। सबसे पहले इसकी सीटिंग पॉस्चर काफी सॉलिड है। हाँ, सीट यार लग रही है, बहुत कंफर्टेबल लग रही है सीट, काफी अच्छी है। अगेन इसकी बैक रेस्ट दे दिया, सुपर पार्ट है इस बाइक का, काफी बेस्ट पार्ट है इस बैक रेस्ट का। कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। अगेन आपको रियर में रेट्रो लाइट, रेट्रो फीलिंग आपको लाइट में मिल जाएगी। हाँ, पीछे भी है, जैसे उसमें जावा में भी ऐसे कुछ दिया है ना, सेम सेम ऐसा ही कुछ है, मैचिंग ऐसे ही है। और डुअल चैनल ABS है, डुअल चैनल ABS, डुअल डिस्क ब्रेक, और एग्जॉस्ट इसमें अभी तो ऐसा ही है। आवाज अच्छी है इसकी ना, आपको सेम जो बुलेट का जो एक जेन्युइन जो चीज है ना, वो चीज आपको यहाँ भी फील मिलने वाली है, जो इसको नेचुरल थंबनेल जो है इसका। देखते हैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट इसका। आवाज तो काफी सॉलिड है। मजा आने वाला है यार ये बाइक चला के। क्यों? बिल्कुल, अगली बाइक यही है फिर भाई, पक्का यही करने है। यार अगर ये सही रही ना, मैं भी बुक कराऊंगा, एक बार टेस्ट ड्राइव लेता हूँ इसकी। राइडिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक बनाई है। ऑफ करना इंजन, ऑफ करना। और इधर सारा ये मैट में दिया है इंजन, ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं ना। ट्रिपल कोटिंग मैट, हाँ, क्वालिटी होती है इसमें। आपको 5 गियर शिफ्टिंग मिल जाएगी आपको। अच्छा, 5 गियर्स है, ठीक है। अगेन आपको साइड स्टैंड सेंसर भी मिल जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें साइड भी है, डबल भी है, ये बड़ी अच्छी चीज है। डुअल स्टैंड आपको मिलेगा। और इसमें ये अलॉयज आ रहे हैं, अलॉयज वाइस सेफ के अलॉयज हैं, जो कि ट्यूबलेस टायर और अलॉय, जो कि फर्स्ट टाइम रॉयल फील्ड में इस तरह की, पहले थंडरबर्ड में भी थी, पहले थंडरबर्ड में भी आता था। हाँ, थंडरबर्ड एक्स। तो इसमें स्पोक्स का ऑप्शन नहीं है? स्पोक्स का ऑप्शन नहीं, स्पोक्स नहीं है यार इसमें। और यार ये बैजिंग जो है ना रॉयल इनफील्ड की, ये बड़ी अच्छी लग रही है, यानी काफी प्रीमियम भी फ्रंट इसकी लाइट और फ्रंट ये है इसका। DRL जलता रहता है रिंग शेप में।
देखो यार, जो इनफील्ड के जो वो है ना फैंस हैं, वो इनफील्ड के रहेंगे चाहे कोई सी बाइक आ जाए। इंडिया में कोई बाइक लॉन्च कर ले, आप कितना ही बोल लो कि जावा है, होंडा हाइनेस, ये वो जो भी बोल लो, मगर जो बुलेट है वो बुलेट ही है। हाँ, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बुलेट जो है वो इंडिया में एक रिलीजन है। टायर तो इसका टायर अच्छा, हाँ सी एट के टायर दिए हैं, सी एट टायर है। अच्छा, देखो यार मैं तो वेट कर रहा हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव की बस अब। तो भाई एक छोटा सा वीडियो था मेटियोर 350 का, इसका डिटेल वीडियो मैं जल्दी से डालूंगा टेस्ट ड्राइव के बाद, उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, इसकी जो छोटी छोटी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या चेंजेस करे हैं इसमें, क्या इसकी कॉस्ट पड़ती है, क्या इसमें कलर्स आते हैं, क्या इसकी माइलेज है, सब चीज़ कवर करेंगे। ये छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो था, एक कह सकते हैं इसको एक फर्स्ट लुक कवर करा था मैंने। तो आप लोग जल्दी से ऊपर रेड बटन आ रहा है उसको हिट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करना है, कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए यू गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय।